Hello everyone, I am Dr. Shafila from IgnuDoS. Welcome to session 49 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for those who are doing graduation from IgnU. The exam pattern for this paper is objective, and the short video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IgnuDoS will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 49. In which of the following tiger reserves have the local community fought for conservation of forest? In mein se kaun se tiger reserve mein local jo communities hai wo fight kar rahi hai for the conservation of forest. So options are Manas Tiger Reserve, Pariyar Tiger Reserve, Simlipal Bio Reserve ya Sariska Tiger Reserve. Manas Tiger Reserve, it is in Assam, ठीक है? और मानस टाइगर रिजर्व जो है ये सिर्फ टाइगर रिजर्व नहीं है, ये आपका नेशनल पार्क भी है. इट इज बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो, इट इज एलिफेंट रिजर्व ऑल्सो, एंड इट इज यूनेस्कोज नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो. सो मानस टाइगर रिजर्व इज वन इन मैनी, ठीक है? सो इट इज इन आसाम. परियार टाइगर रिजर्व की बात करें सो इट इज इन केरला. सिमिलीपल बायो रिजर्व इट इज इन उड़ीसा. एंड सरिस्का टाइगर रिजर्व इट इज इन राजस्थान. अगर हम सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें वहां की जो लोकल कम्युनिटीज है दे आर प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट फ्रॉम माइनिंग, ठीक है? सो क्योंकि माइनिंग करने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट क्लियर करने हैं, मतलब ऑब्वियसली माइनिंग करनी है तो तुम्हें ट्रीज तो काटने पड़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी. सो वहां की जो लोकल कम्युनिटीज है दे आर अगेंस्ट द माइनिंग, जिसके कारण वहां पे ट्रीज को काटना पड़ रहा है. सो इन ऑर्डर टू कंजर्व द फॉरेस्ट दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर द माइनिंग, ठीक है? और सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए वहां की जो लोकल कम्युनिटीज हैं दे आर मेकिंग देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस. इनफैक्ट कई जगह तो वहां पे जो लोकल्स हैं दे आर रिजेक्टिंग द इंटरप्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो. सो दे वॉन्ट देमसेल्फ टू कंजर्व द फॉरेस्ट. टू कंजर्व द फॉरेस्ट they are not allowing the mining activities over there, and they are making their own rules and regulations in order to conserve the forest. So correct answer to this particular question is Sariska Tiger Reserve. Second question is, the forest cover in our country has recently increased due to. So this is true, hamari country mein forest cover increase hua hai from 1990 to 2020. तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा इन 30 इयर्स में हमारा जो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 80,000 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है. एंड दैट इंक्रीज इज बिकॉज ऑफ, अब देखो बिकॉज ऑफ अवेयरनेस भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है? कि हम लोग अवेयर हो चुके हैं कि येस वी हैव टू प्रोटेक्ट आर फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू कंजर्व द एनवायरमेंट. तो ऑप्शन देखते हैं क्या है इसमें. इंक्रीज इन नेचुरल फॉरेस्ट ग्रोथ, नॉट ट्रू, ठीक है? तो दिस इज रॉन्ग. सो वो नेचुरल जो फॉरेस्ट ग्रोथ हो रही है वो तो पहले भी जिस स्पीड से हो रही थी वो वैसे ही हो रही है. इंक्रीज इन नेट सोन एरिया, सो दैट मीन्स तुम सोइंग एरिया बढ़ा रहे हो उसके कारण तुम्हारा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, रॉन्ग. प्लांटेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज, सो दिस इज ट्रू बिकॉज पीपल हैव बिकम सो अवेयर, दे हैव नाउ रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू कंजर्व द फॉरेस्ट, ठीक है? सो हर कोई ना कोई अपना कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर. सो डिफरेंट एजेंसीज दे आर कमिंग फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, जिसके कारण हमारी कंट्री का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1990 टू 2020, एंड इंक्रीज जो हुआ है इट इज ऑलमोस्ट 80,000 स्क्वायर किलोमीटर. सो आंसर इज सी. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर not a part of complex web of an ecological system. Options are plant, animals, computers, humans. See, हमारा जो ecological system है definitely it is a complex web, जिसमें plants भी हैं, animals भी हैं, microorganisms भी हैं, so they are interdependent. Plants photosynthesis process से CO2 लेते हैं और oxygen देते हैं, उस oxygen को animals and humans लेते हैं, ठीक है? so ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स वेब है. प्लांट्स अगर फूड नहीं बनाएंगे तो एनिमल्स या ह्यूमन नहीं होंगे, ठीक है? सो इट इज ये सारा आपका इकोसिस्टम बैलेंस्ड इस वजह से, क्योंकि हमारे पास प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ह्यूमन भी हैं. सो प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन ये आपके इकोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट है. हाउएवर
कंप्यूटर्स आपके इकोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है? सो आंसर इज सी. देन सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल बेल्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हैव बीन डीफॉरेस्टेड बाय. सो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ट्राइबल पार्ट का बहुत अच्छा खासा पार्ट जो है वो डीफॉरेस्ट हो गया है. क्यों हो गया है वहां पे, ठीक है? ऑप्शंस आर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. देखो वैसे देखा जाए तो तीनों ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिफॉरेस्टेशन, ठीक है? बट हमें बताना है कि मेन वहां पे क्या रीजन है, क्लियर? सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब इन ऑर्डर टू अकोमोडेट, इन ऑर्डर टू कंपनसेट द पॉपुलेशन, यू आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट और तुम नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बना रहे हो, ठीक है? माइनिंग, तुम मिनरल्स की माइनिंग कर रहे हो, अगेन इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन, ठीक है? लेकिन अगर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करें, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब है कि तुम एक पर्टिकुलर एरिया पे खेती कर रहे थे, कल्टीवेशन कर रहे थे, बट नाउ द सॉइल जो आपकी वहां पे लैंड है वो डिग्रेड हो चुकी है, ठीक है? सो दैट सॉइल इज नॉट गिविंग यू मच प्रोडक्टिविटी. सो तुमने दूसरी जगह पे जाके कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया. सो जहां पे तुम जाओगे वहां पे फिर तुम फॉरेस्ट क्लियर करोगे, फिर वो धीरे धीरे तुम इतना एक्सप्लॉइट कर दोगे सॉइल को कि द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल विल स्टार्ट फॉल, ठीक है? फिर अगेन तुम नई जगह पे जाओगे. सो दिस इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन. बार बार तुम जगह चेंज कर रहे हो एंड जो प्रीवियस आपकी लैंड है उसको तुम अबैंडन कर रहे हो, ठीक है? सो दिस इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसके कारण आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का ट्राइबल बेल्ट का एक अच्छा खासा पार्ट जो था वो डिफॉरेस्टेड हो गया, क्लियर? सो आंसर इज ए, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. सो नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव प्लांटिंग ऑफ अ सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशीज इज कॉल्ड. जब हम एक सिंगल वैल्यूएबल प्लांट को ही हम लोग लगाते हैं, ऐसा प्लांट जिसकी शायद कमर्शियल कोई वैल्यू है, जिससे हमें शायद यू नो इनकम का एक अच्छा सोर्स है, अगर हम उसको ही प्लांट कर रहे हैं एक्सटेंसिव तरीके से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर जूमिंग, बी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सी मिक्स्ड फार्मिंग, डी एनरिचमेंट प्लांटेशन. देखो जूमिंग का मतलब क्या है कि जब तुम एक क्रॉपिंग करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए या फार्मेबल लैंड बनाने के लिए यू आर क्लियरिंग द वेजिटेशन ऑफ द फॉरेस्ट, तुम उसको क्लियर भी कर रहे हो, कट कर रहे हो एंड उसको बर्न कर रहे हो, दिस इज जूमिंग. जूमिंग का मतलब अगर फॉरेस्टेड लैंड से वेजिटेशन को पहले काट रहे हो फिर उसको बर्न कर रहे हो, क्यों? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेक दैट एरिया फार्मेबल, ठीक है? तुम वहां पे कल्टीवेशन फार्म लैंड उसको बनाना चाहते हो, सो दिस इज जूमिंग. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसका मतलब है जब तुम एक सपोज वन फार्मर, एक फार्मर है छोटे से प्लॉट पे, दैट फार्मर इज डूइंग द कल्टीवेशन, ठीक है? वो कल्टीवेशन कर रहा है जिस जहां पे लाइक दिस जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इट इज वेरी लेबर यू नो वेरी लेबोरियस, ये वाला जो प्रोसेस है वेरी लेबोरियस, ठीक है? लेबर इंटेंसिव है ये, तो इसमें मेहनत ज्यादा है. किसान क्या कर रहा है, एक जगह पे खेती कर रहा है, छोटे एरिया पे खेती कर रहा है. वो क्यों कर रहा है? इन ऑर्डर टू मीट इन हिज ओन नीड्स, वो अपनी फैमिली और अपने लिए खाना वहां पे उगा रहा है. और ये वो कैसे उगा रहे हैं? विद द ट्रेडिशनल टूल्स, बहुत ही सिंपल और ट्रेडिशनल तरीके से कर रहा है विदाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसीलिए बिकॉज द फार्मर इज नॉट यूजिंग द टेक्नोलॉजी, वो ट्रेडिशनल टूल के थ्रू कर रहा है, छोटे से एरिया पे कर रहा है, टेक्नोलॉजी वो यूज नहीं कर रहा, इसके लिए वो लेबर इंटेंसिव है, ठीक है? क्यों कर रहा है वहां पे फार्मिंग? इन ऑर्डर टू मीट हिज एंड हिज फैमिलीज नीड ऑफ फूड, ठीक है? सो दैट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. देन मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग का मतलब है जहां पे तुम क्रॉपिंग भी कर रहे हो और एनिमल्स को रेज भी कर रहे हो, तो ये दोनों प्रोसेस जो वो पैरेलल चल रहे हैं और इंटरडिपेंडेंट है. सो जब तुम क्रॉपिंग कर रहे हो तो क्रॉपिंग करने से जो फीड है, एनिमल की फीड बन रही है, एनिमल जो है इन रिटर्न दे आर प्रोवाइडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप. तो ये मिक्स्ड फार्मिंग है जिसमें तुम क्रॉप भी कर रहे हो, कल्टीवेशन भी कर रहे हो और साथ साथ में यू आर रेजिंग द एनिमल्स ऑल्सो. दोनों प्रोसेस जो है वो इंटरडिपेंडेंट है. सो दैट इज द मिक्स्ड फार्मिंग. एनरिचमेंट प्लांटेशन, एनरिचमेंट प्लांटेशन का मतलब है जब तुम एक सिंगल
कमर्शियली वैल्यूएबल प्लांट को उगा रहे हो, ठीक है। तुमने क्या करा, यू आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट। क्यों क्लियर कर रहे हो, क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह पे तुम्हें एक ऐसा प्लांट और ऐसा ट्री लगाना है जिसकी कमर्शियल वैल्यू हो। सो दैट इज एनरिचमेंट प्लांटेशन, एंड आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, एनरिचमेंट प्लांटेशन। एक एग्जांपल करते हैं एनरिचमेंट प्लांटेशन की, हमने वन ऑफ द प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी वी डिड दैट। सो दैट इज टीक मोनोकल्चर। सो टीक वुड जो है दैट इज ऑब्वियसली फर्नीचर के लिए बहुत यूज होता है टीक वुड। सो जब हम फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम उस पर सिर्फ टीक लगाना चाहते हैं बिकॉज टीक की कमर्शियली बहुत वैल्यू है। सो दैट इज टीक मोनोकल्चर। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनरिचमेंट प्लांटेशन। क्लियर। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। सो लर्नर्स, दोज हु आर डूइंग ईदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम इग्नू, इग्नू दोस्त इज देयर टू हेल्प यू आउट। वी एट इग्नू दोस्त आर प्रोवाइडिंग लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। We are giving value-added notes to the learners. We are also helping the learners for their exam through Exampedia. A continuous support from professional mentors is there. They are helping the learners in completing and submitting the assignment for the career development, for scaling the personal and social development also. So you can reach us out on the number 7594939297 by a call or WhatsApp. You can also visit the official website of Igloo Dost. Thank you. See you in the next session.